कानपुर टेस्ट में भारत ने बांग्लादेश को 7 विकेट से हराया। भारत ने 2 मैचों की टेस्ट सीरीज 2-0 से अपने नाम किया। नमस्कार, मेरा नाम है सचिन राठौर और आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर हमारा खास शो खेल का अड्डा। और आज हम बात करेंगे भारत बांग्लादेश 2 मैचों की सीरीज में कैसे जीता। भारत बांग्लादेश 2 मैचों की सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच 27 सितंबर को शुरू हुआ और तीसरे दिन तक महज 35 ओवर का खेल ही पाया था। पहले दिन 35 ओवर का खेल हुआ था, जबकि दूसरे और तीसरे दिन एक भी बॉल नहीं फेंकी जा सकती थी। चौथे दिन जब खेल शुरू हुआ तो ऐसा लग रहा था कि मैच ड्रॉ होगा। कप्तान रोहित शर्मा और इंडियन थिंक टैंक ने हालांकि कुछ और ही सोच रखा था। कानपुर टेस्ट जिस अंदाज में टीम इंडिया ने जीता उसे सालों तक याद रखा जाएगा। जिस अप्रोच के साथ टीम इंडिया ने अपने टेस्ट मैच को जीता उस मिसाल के तौर पर बाकी टीमों के सामने रखा जाएगा। चेन्नई में पहला टेस्ट 280 रनों से जीतने के बाद टीम इंडिया ने दूसरा टेस्ट मैच 7 विकेट से अपने नाम कर सीरीज 2-0 से क्लीन स्वीप कर दिया और ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 से 25 पॉइंट्स टेबल में पहले नंबर पर अपनी स्थिति और मजबूत कर ली। 95 रनों का लक्ष्य भारत ने 18 ओवर पूरे होने के साथ पहले हासिल कर लिया। भारत ने सीरीज 2-0 से अपने नाम की। खास बात इस जीत के साथ ये रही कि किसी भी निराश नहीं किया और पूरे मैच में किसी ने किसी तरह का योगदान दिया। चौथे और पांचवे दिन टीम इंडिया की बॉलिंग, फील्डिंग और बैटिंग ने भी कमाल किया और इसे सदियों तक याद रखा जाएगा। रोहित भले ही काफ़ी कूल मिजाज कप्तान हैं, लेकिन जब मैच की रणनीति की बारी आती है तो उनकी अप्रोच काफ़ी एग्रेसिव हो जाती है और हमने पहले भी देख चुके हैं। KL राहुल ने मैच के 5वें दिन खेल से पहले बताया कि चौथे दिन जब टीम इंडिया की बैटिंग के लिए उतरना था तो रोहित ने क्लियर मैसेज दिया कि आउट हो जाएं तो हो जाएं, लेकिन बचे हुए समय में जो कर सकते हैं वो करना होगा। भारतीय टीम के हर बैटर ने इस बात की गांठ बांध ली थी। भारत ने 34.4 ओवर में 9 विकेट पर 285 रनों पर पारी घोषित कर दी। 10 बैटर्स जो मैदान में उतरे थे उनमें से महज 3 ऐसे थे जिनका स्ट्राइक रेट 100 या इससे ऊपर था। खुद कप्तान रोहित 2 छक्के के साथ अपनी पारी का आगाज कर बाकियों के लिए एक उदाहरण रख दिया। भारत ने पहली पारी में टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज 50, 100, 150, 200 और 250 बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी इसी मैच में बनाया। बांग्लादेश की ओर से पहली पारी में मुशफ्फिर रहीम और मोमिनुल एहिर टक्कर में बैटिंग में थे। चौथे दिन जब टीम इंडिया बॉलिंग के लिए उतरी तो कप्तान रोहित ने अटैकिंग फील्ड भी लगाई और गेंदबाजों का रोटेशन के बेहतरीन तरीके से किया। बांग्लादेश की पहली पारी में जसप्रीत बुमराह ने 3, मोहम्मद सिराज आर, अश्विन आकाश दीप ने 2-2 और रविंद्र जडेजा ने 1 विकेट चटकाया। गेंदबाजों ने एक यूनिट के तौर पर दमदार प्रदर्शन किया और कप्तान ने भी समय समय बॉलिंग में बदलाव बढ़िया ढंग से किया। बांग्लादेश की दूसरी पारी के साथ ही भारत को जीत की महक आना शुरू हो गई थी। 36 रनों तक जाकिर हसन, हसन महमूद और मोमिनुल हक को अश्विन ने पवेलियन भेज दिया था। शामान इस्लाम और कप्तान नजमुल शांटो ने भले ही कुछ देर बांग्लादेश की पारी को संभाला, लेकिन जैसे ही रविंद्र जडेजा ने शांटो के डिफेंस तोड़ा उनको क्लीन बोल्ड कर दिया। टीम इंडिया ने फिर बांग्लादेश को वापसी का कोई मौका ही नहीं दिया। बांग्लादेश दूसरी पारी में 146 रनों पर ऑल आउट हो गया। शदमान ने 50 रनों की पारी खेली जबकि शंटो ने सिर्फ 19 और मुशफ्फिर रहीम ने 37 रनों का योगदान दिया। दूसरी पारी में बुमराह, अश्विन और जडेजा ने 3-3 विकेट चटकाए और 1 विकेट आकाश दीप के खाते में गया। यशस्वी जायसवाल ने पहली पारी में 51 गेंदों पर 72 रन ठोके, वहीं दूसरी पारी में भी उनका बैट तेजी से चला। रोहित शर्मा और शुभमन गिल सस्ते में निपट गए, लेकिन यशस्वी के बैट ने कहीं भी ब्रेक नहीं लिया। दूसरी पारी में यशस्वी ने 43 गेंदों का 55 ठोका, जबकि जायसवाल दूसरी पारी में 45 गेंदों पर 51 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन तब वो टीम इंडिया को जीत की दहलीज पर पहुंचा चुके थे। ऐसे अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।